नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कुमार संभव। मैं मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, साथ में ग्लॉकोमा और कैटरेक्ट का भी इलाज करता हूँ। मेरे अस्पताल का नाम है नेत्र ज्योति आई हॉस्पिटल, जो मौजूद है यहाँ पे प्लकुआ हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में, पिलर नंबर 2 धोलाना मोड़ के पास। आज मैं आपसे बात करूँगा ग्लॉकोमा या काला मोतिया के बारे में। तो ग्लॉकोमा बेसिकली एक बीमारी है जिसको हम हिंदी में काला पानी या काला मोतिया बोलते हैं। कई लोग काले मोतिया को सफ़ेद मोतिया से कंफ्यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि दोनों एक ही बीमारी है। काला मोतिया बेसिकली होता है जिसमें आपके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, आपके अंदर जो पानी इकट्ठा होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और पानी ज़्यादा इकट्ठा होने से जो आपके अंदर का प्रेशर होता है वो बढ़ता चला जाता है, और जो आपके अंदर की नसों को कमज़ोर करना शुरू कर देता है। इसका इलाज होता है समय पर डॉक्टर का चेकअप और दवाई। तो और कुछ पूछना चाहते हैं ग्लॉकोमा के बारे में डॉक्टर साहब? एक्चुअली मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, अगर काला मोतिया किसी मरीज को हो गया है तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स क्या रहते हैं और किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए इनिशियल फेज में, फर्स्ट फेज में किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो काला मोतिया होता है उसके सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, जब तक बीमारी अपनी जड़ पकड़ चुकी होती है। जब इसलिए हम कहते हैं कि हर बीमारी के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिससे हमें लगता है कि कुछ लोगों में बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। अगर किसी मरीज में बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है तो उसको स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि अपने डॉक्टर के आँखों के डॉक्टर के पास रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, ताकि रेगुलर डॉक्टर पर जब चेक कराएंगे तो जल्दी बीमारी के बारे में पकड़ हो सकती है कि बीमारी बन रही है या नहीं बन रही है। क्योंकि एक बार बीमारी ने जड़ पकड़ ली तो वो डैमेज भी ज़्यादा करती है और उसको कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम जो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर वो होता है कि किसी को घर में और काले पानी की बीमारी रही हो, किसी के फादर को, किसी के मदर को, इनफैक्ट किसी के नाना को, नानी को, बाबा को, अम्मा को, किसी के 2 या 3 जनरेशन पहले भी किसी को काला मोतिया या काला पानी रहा हो, तो दूसरे बंदे में काला पानी या काला मोतिया होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को हाइपरटेंशन हो, तब भी संभावना ज़्यादा होती है। जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, एक उम्र के साथ भी संभावना बढ़ जाती है। किसी को स्मोकिंग का लत हो, या कोई अल्कोहलिक हो, या किसी को कोई और नशा हो, उसमें भी शक बढ़ जाता है। पर हम सबको सलाह देते हैं कि जिसकी उम्र 40 साल हो गई है वो अपने साल में एक बार आँखों के डॉक्टर को चेकअप कराए, और उससे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करे अपने डॉक्टर से कि वो उसकी एक बार ग्लॉकोमा का चेकअप भी कर लें कि आँख का प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं है। सेकेंड फेज में सर डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाह रहा था, अगर किसी बंदे को काला मोतिया हो गया और उसका IUB जो फ्लक्चुएट कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे कंसल्टेंट है जिस डॉक्टर्स को पेशेंट दिखा रहा है उससे रेगुलर चेकअप कराते समय से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि टाइम टू टाइम रहना है, उसका शेड्यूल किस तरीके से वो चेंज कर सकता है? देखिए, ग्लॉकोमा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब होता है कि पेशेंट दवाइयाँ जो भी डॉक्टर ने बताई है वो रेगुलर लेता है और रेगुलर अपने डॉक्टर को चेक कराता है। जब पहली बार मरीज हमारे पास काले मोतिया का ग्लॉकोमा का आता है, तब उसका 3-4 बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बीमारी किस स्टेज पर है। उस स्टेज के अनुसार ही बीमारी का इलाज होता है। और दूसरा, जब बीमार पेशेंट को हम 6 महीने बाद या 1 साल बाद चेक करते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क नहीं है, कितनी बीमारी बढ़ी है या कितनी कम हुई है, या कंट्रोल में है कि नहीं है। तो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने आपको बताया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रेशर, जिसे हम इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं। दूसरा होता है आपकी पैकीमेट्री या कॉर्नियल थिकनेस। तीसरा होता है विजुअल फील्ड्स, कि कितना हमारा घेरा है, कितना दायरा है, जितने दायरे में हम देख पा रहे हैं। चौथा होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी या OCT टेस्ट, जिससे हम जो आँख के अंदर की RNFL या रेटिनल नर्व फाइबर लेयर होती है उसकी थिकनेस का अंदाजा लगाते हैं कि उसमें कितना डैमेज है, कितना डैमेज नहीं है। उसके अलावा भी कुछ टेस्ट और होते हैं जो मरीज टू मरीज डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सा टेस्ट कराना है। उसके अनुसार हम बताते हैं कि काला मोतिया बन रहा है नहीं बन रहा है। पर एक बार अगर बन जाता है और डॉक्टर डायग्नोज कर दिया काला मोतिया और अगर दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो जब तक कोई डॉक्टर मना ना करे उन दवाइयों को बंद नहीं करना है, और हर एक 6 महीने पे आँख का प्रेशर चेक कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, और काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि जो पेशेंट है अगर वो ट्रीट करा रहा है तो इन द टर्म्स ट्रीटमेंट के उसके अपने जो बच्चे हैं उसको रिलेटेड भी इस बीमारी से रिलेटेड चेकअप कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, अगर उसके जेनेटिक रहा हो किसी। जब मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा शक उन्हीं लोगों में होता है जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है ग्लॉकोमा की, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिस भी मरीज को काला मोतिया है या ग्लॉकोमा है, वो अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको एक बार आपका टेस्ट जरूर कराए। कम से कम एक बेसलाइन टेस्ट करा के पता लग जाए कि किसी और के अंदर तो कोई और बीमारी डेवलप नहीं हो रही है।
नॉर्मली किसी के अंदर जेनेटिक हिस्ट्री होती भी है तो ग्लॉकोमा नॉर्मली जो डेवलप करता है वो 40 साल की उम्र के बाद ही करता है। तो इसीलिए हम सलाह देते हैं कि जैसी उम्र 40 होती है, कई लोगों को नहीं पता होता कि उनके नाना को या बाबा को या अम्मा को या परदादा को किसी को बीमारी रही है या नहीं रही है, या कई लोग काले मोती को सफ़ेद मोती से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए हम सभी को बोलते हैं कि 40 साल के बाद एक बार अपनी आँख का चेकअप करा लें ताकि अगर ग्लॉकोमा डेवलप हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हम लोग टाइम पर शुरू कर सकें। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकल लोग हैं उनकी मेंटेलिटी कुछ इस तरीके की होती है, अगर उन्हें मोतियाबिंद हो गया तो उन्हें उसका जो फर्क है काला मोती और सफ़ेद मोती का उस समय वो नहीं कर पाते हैं, उनका जो माइंड स्टेबिलिटी है वो केवल यही होती है नॉर्मली किसी चश्मे से ठीक हो जाएगा या किसी दवाई से, नॉर्मली जो आसपास से जो डॉक्टर्स होते हैं वो उन्हें प्रीफर कर देते हैं, क्या ये उनके लिए सफिशेंट है? देखिए ऐसा है, जो हमारा कहते हैं ना हमारा भारत देश जो है वो ग्रामीण प्रधान देश है। ग्रामीण प्रधान देश का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे लोग हैं हमारी 65 से 70% आबादी गाँव में रहती है, 30% की शहर में रहती है, ख्याल से एग्जैक्ट मेरे को स्टेट्स नहीं पता है। उन लोगों को जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उन्हें बीमारी है कि नहीं है, उन्हें नॉर्मल बीमारी भी नहीं समझ में आती है। कई बार गलती उनकी नहीं है क्योंकि उनके पास पहुँचा ही नहीं है। जैसे हमारा अस्पताल भी जगह जगह आज की डेट में हमने पिछले 3 साल से अस्पताल चलाए हुए हो गए, हम लोग हर हफ्ते 2 कैंप लगाते हैं ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को अवेयर कराते हैं, लोगों को बताते हैं बीमारी के बारे में, सबका हम पूरा आई का चेकअप करते हैं, उनका ग्लॉकोमा चेकअप भी करते हैं, उनका हम कैटरेक्ट चेकअप भी करते हैं, किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उनका रेटिना चेकअप भी करते हैं, उनको हम बताते भी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस फैलाना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को बीमारी डेवलप हो रही है या आँखों में किसी को धुंधलापन हो रहा है गाँव में, तो उससे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार जाके किसी आँखों के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कई बार क्या होते हैं कि वो लोग जाके किसी चश्मे की दुकान से चश्मे का नंबर ले लिया, चश्मा लगा लिया, या गांव में जो छोटे डॉक्टर होते हैं उनको दिखा लीजिए। देखिए आपको बीमारी है कोई, आप डॉक्टर दिखा लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको चश्मा बनवाना है, कोई भी परेशानी नहीं है, आप चश्मे की दुकान जाकर चश्मा बनवा लीजिए। पर जो आँखों का पूरा चेकअप है वो आँखों का डॉक्टर ही कर पाएगा। तो ट्रेंड स्पेशलिस्ट के पास जाके, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि आपको रेगुलर चाहिए, पर साल में एक बार अपनी आँखों के लिए, अपनी सेहत के लिए इंसान को इतना करना ही चाहिए कि वो जाए और अपना आँखों का चेकअप एक ट्रेंड आई स्पेशलिस्ट से जरूर कराए। जैसे हम लोग यहाँ पर अस्पताल में इलाज करते हैं, हम यहाँ पर निःशुल्क इलाज भी कर रहे हैं, जो लोग गरीब हैं, ये हमारी वैसे फीस है वो सिर्फ मात्र 100 रुपये है, पर हम इसे कभी भी नहीं बोलते भाई फीस देनी है। अगर कोई गरीब मरीज आता है उनका फ्री में चेकअप करते हैं, ग्लॉकोमा चेकअप हमारे टोटल निःशुल्क है, रेटिना चेकअप हमारे टोटल निःशुल्क है, हम किसी भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो किसी मरीज को परेशानी तो ग्लॉकोमा में आके हमें दिखा सकता है, हम उसको पूरा चेकअप ग्लॉकोमा का फ्री में करेंगे, उससे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप मुझे देने के लिए, और लगता है अगर कुछ ऐसा रहता है तो मेरे पास आसपास कोई ऐसा मरीज है तो मैं जरूर प्रेफर करूँगा आपके लिए, वो आपसे जरूर एक बार मिले और जरूर काला मोती से रिलेटेड कोई जानकारी है तो वो भी आपसे ले, और पूरा IUP से रिलेटेड और लास्ट तक जितना भी सिक्वेंस में पूरा ट्रीटमेंट है वो जरूर कराएं। पक्का आप कोई मरीज को भेज दीजिएगा, आप नाम या नंबर भेज दीजिएगा, उस मरीज को पूरी जिम्मेदारी फिर हमारे अस्पताल की हमारी है। ठीक है, थैंक यू सर।